कई कई को न कछु अपराध लिखे विधि अंक न टारे टरेंगे। और बिंदु यही एक सांसती है, कछु और अनर्थ के वज्र परेंगे, लाल तिहारे सिधारत ही वही पाल हो मोहि अनाथ करें। हमारे जाते ही राम तुम देह छोड़ दोगे तो महाराज देह छोड़ देंगे। राम जी ने समझाया माता लौट कर आए, अरे तब तक जानकी माता आ गई। श्री राम जी से कौशल्या जी ने कहा, अच्छा श्री सीता जी बैठी कैसे हैं? नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, चारु चरण नख लेखती धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि चरणों से मानो धरती पर कुछ लिख रही हूं तो नूपुर बजे, और मानो नूपुर इसलिए श्री जानकी जी कहती हैं, मन ही मन के प्रभु इन नूपुरों की आवाज सुनकर आपने पुष्प वाटिका में मेरी ओर ध्यान दिया था, आज इन्हीं नूपुरों की आवाज सुनकर क्या वन जाते समय मेरा ध्यान श्री जानकी जी की यह दशा देखकर कौशल्या माता ने कहा कि श्री सीता जी बन के योग नहीं, डावर योग की हंस कुमारी, बन के योग कहीं हंस कुमारी होती। राम जी ने भी कहा, जानकी जी हंस गवनी तुम नहीं बन जो। श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु आप मैं हंस कुमारी हूं या आपने कैसे जाना? मेरी माताजी ने कहा कि आप हंस कुमारी हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु जब आप धनुष तोड़ने जनकपुर में जा रहे थे तो मेरी माताजी ने भी कुछ कहा था। क्या उन्होंने कहा था? सोधनु राज कुंवर कर दे ही बाल मराल की मंदर ले ही। तो मेरी माताजी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। अगर आपकी माताजी की दृष्टि में मैं हंस कुमारी हूं तो मेरी माताजी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। तो जब हंस कुमार बन के योग्य है तो हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं? और माता ने आज्ञा नहीं दी। श्री राम जी ने कहा, श्री जानकी जी ने कहा कि माता ने भी आज्ञा दी है, कह तापस तीय कानन जोगो, तपस्वियों की देवियां बन के योग्य होती हैं, और प्रभु आप राजकुमार नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, साथ तो चलूंगी। पूज्य पाद पिता की प्रतिज्ञा तो रहेगी नहीं, होगा हासनाथ इतिहास कह जाएगा, राम के बिना सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे रहे, वनवास राम का अधूरा रह जाएगा, की तन प्राण ही केवल प्राणा। भगवान ने कहा ठीक है ठीक, चलो चलो। उसी समय लक्ष्मण जी को समाचार मिला, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार
न पाए समाचार लगल समाचार मिले लक्ष्मण जी को, उसी समय गए सीताराम जी के चरणों में प्रणाम किया। देख रहे हैं नैन प्रेम जल से भरे हैं, पर लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। कई न सकत कछु चितवत ठाणे, दीन मीन जनु जल ते काढ़े। जल अगर जाने लगे तो सभी जल जंतु इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बेचारी मछली कहाँ जाए, न कुछ कह सकती है और जल के बिना रह भी नहीं सकती। भगवान ने कहा लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने कहा किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। आप क्या कहते हैं? मोसन काह कहव रघुनाथा, रखिए ही भवन की लई है ही साथा। भगवान ने कहा कि भरत भवन भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। घर में भरत जी नहीं, शत्रुघ्न जी नहीं है, पिताजी वृद्ध है, मेरा दुख है। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए अयोध्या का राज्य भार संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा अब बनो सिर्फ यार से सुपरस्टार एवरीडे विद द वाइडेस्ट रेंज ऑफ यूनिक स्टाइल्स एंड कलेक्शंस फ्रॉम मिंत्रा। पाओ सबसे यूनिक लुक्स फ्रॉम 100% ओरिजिनल ब्रांड्स सिर्फ मिंत्रा पे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? मैंने कब बनाया? जनकपुर में जब परशुराम जी मुझे फरसा दिखा रहे थे तब आपने ही कहा था नाथ करो बालक पाछो, ये बालक है इस पर दया कर। परशुराम जी बोले ये बालक कितना छोटा बालक। राम जी बोले सूद दूध मुख, ये शुद्ध दूध दुधुआ बच्चा है। उस दुधुए बच्चे से आज कह रहे हो कि राज्य का भार उठा। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात तुमने भी जनकपुर में कही था वो मुझे याद है। क्या? तुमने ही कहा था जो राव अनुशासन पावो कंदु क्यों ब्रह्मांड उठाओ। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा ले। आज हम ही आज्ञा दे रहे हैं कि राज्य का भार उठा लो तो कहते नहीं बनेगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यह बात मैंने पहले कही थी, शिशु आपने बाद में बनाया। और फिर प्रभु मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकता था, आप साथ में थे। पंखा कहे कि मैं हवा दे सकता हूं, ट्यूब लाइट कहे कि मैं उजाला दे सकता हूं, और बिजली कहे कि मैं जा रहा हूं, बिजली कहे कि मैं जा रही हूं, क्या करे ट्यूब लाइट, क्या करे पंखा? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं अगर आप साथ में हैं, अगर आप ही दूर जा रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं। राम जी ने कहा चल लक्ष्मण सेवा तो कर सकते हो। हाँ ठीक है। अब लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए कि सेवा के लिए हमें ले जाया जा रहा है। पर राम जी बोले यहीं रहकर गुरु जी की पिताजी की माता जी की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने सोचा फिर अटक गए। पर लक्ष्मण जी ने बड़ी अच्छी बात कही गुरु पितु मातु न जानो काहू, गुरु पितु मातु न जानो गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहउ सुभाव नाथ पतियाहु, कहउ सुभाव नाथ पतियाहु।